दोस्तों आ चुका है नई वीडियो वापस और इस वीडियो में आपको बहुत ही एक कमाल का नॉलेज देने वाले हैं। अगर आप दोस्तों नया फ़ोन परचेस करते हैं तो आपके फ़ोन में अगर आप देखते होंगे तो बैक साइड में आपके फ़ोन में कुछ इस तरह की एक लेवल लगी होती है। यहाँ पे आप इस लेवल को देख सकते हैं, मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप इस लेवल को देख सकते हैं, इस लेवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप नया फ़ोन लेते हैं तो सोचते हैं, बहुत लोग तो इस जो लेयर जो लगी रहती है तो इसको निकाल देते हैं, बस बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि इस लेवल को नहीं निकालते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्या इस लेवल को निकाल के फेंक देना चाहिए या फिर नहीं निकालना चाहिए। चलो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझा देते हैं, तो चलो यार आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। गाइस सबसे पहले बताना चाहूँगा इस लेवल का मतलब क्या होता है, वो आपको सबसे पहले जानना चाहिए। और जानने के बाद आपको इस वीडियो को लास्ट तक अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर देना है। तो चलो इस लेवल के बारे में, पहला डिजाइन इसके बारे में बताते हैं। इस लेवल का मतलब में इसमें दो चीज़ मेंशन होते हैं, पहला और दूसरा, यानी कि सेम टू सेम इसमें फ़ोन की जो वेट वगैरह रहती है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, हेड है, वेट इसका लिया रहता है, और फिर बॉडी वगैरह जो है इसके वेट वगैरह लिखे रहते हैं। फिर 64 GB है इसका रैम और रोम की डिटेल इसमें मेंशन रहती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें रहती है आपके फ़ोन का IMEI नंबर। जी हाँ, यहाँ पर आपको दी जाएगा IMEI नंबर। यहाँ पे 1 और 2 दो क्यों रहता है, क्योंकि आपके फ़ोन में 2 SIM कार्ड स्लॉट रहता है, जिसकी वजह से आपके फ़ोन का IMEI नंबर 2 होता है। और जिस फ़ोन में सिंगल सिम रहती है उसके जो है सिंगल IMEI नंबर रहते हैं। तो यहाँ पे एक इस लेवल का मतलब है, यहाँ पर आपको पीछे आपको मिल जाता है, इसके कुछ लेवल में लिखा हुआ है, टू प्रोटेक्ट योर कंज्यूमर राइट्स प्लीज कीप दिस लेवल इनटेक्ट। मतलब इस लेवल को आपको सुरक्षित रखना है। बहुत सारे लोग करते क्या हैं, इस फ़ोन से इसको निकालते ही नहीं हैं। तो भाई अगर आपका फ़ोन कहीं खो गया तो इस लेवल को आप तो खो देंगे, तो इस लेवल का रखने का आपका मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपके पास हो सकता है बॉक्स ना हो, और बॉक्स होने के साथ साथ हो सकता है इस लेवल के आप कहीं अगर सेव करके रखें तो ये बहुत ही काम में आ सकता है। यहाँ पर आपको एक बार करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट मेरा कैमरा जो है फोकस नहीं कर पा रहा है। तो जो लेवल है बहुत ही काम का चीज़ है, इस लेवल को आपको एक किसी ऐसी जगह पे निकाल के रख लेना चाहिए, क्योंकि ये जो लेवल है ना वाकई में काफ़ी काम की चीज़ है। क्योंकि आपके फ़ोन का जो है इसमें IMEI नंबर रहता है, और IMEI नंबर जो बहुत ही काम की चीज़ है, यानी कि आपके फ़ोन का जो है अगर आपका फ़ोन कहीं खो गया तो आप इसके जरिए इसको लॉक करवा सकते हैं। कि अगर आपका फ़ोन रहता है तो 0/6 वगैरह जो नंबर रहते हैं उनको डायल करके देख सकते हैं, बट अगर आपका फ़ोन खो गया, आप फ़ोन का बॉक्स भी खो गया, आपके जो अधिकार हैं आप उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इस लेवल को किसी भी हाल में संभाल कर रखना होगा। अब इस लेवल को एक बार वापस देख लीजिए, ये लेवल बहुत ही काम की होती है, यानी कि बहुत लोग तो ऐसा लगा के रखते हैं, लगाने के रहने की वजह से बहुत खराब दिखता है। तो इस लेवल को निकाल देना चाहिए, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि इस लेवल को नहीं निकालना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो इस लेवल को निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे इसको सेव करके रखना चाहिए। इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल यही होता है, क्योंकि इसमें आपके फ़ोन के IMEI नंबर जो है नंबर सेव रहते हैं, जिसकी वजह से अगर आपका फ़ोन कहीं खो जाता है भविष्य में किसी भी जगह पे, तो आप इस पर रखे रहेंगे तो आप जो है कानूनी राइट जो है आपके इसके ऊपर कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन खो गया तो ये जो लेवल पीछे लगा रहता है वो भी चला जाएगा साथ में। इसके लिए इसको आपको फ़ोन में रखना अच्छी बात नहीं है, आपको इसको निकाल के रख लेना चाहिए। हो सके तो आप इसका फ़ोटो लेके या फिर फ़ोटो लेके इस लेवल का आप चाहें तो गूगल वगैरह पे जो है फोटोज़ में इसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर ड्राइव पे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके फ़ोन के लिए रोल प्ले करता है। तो चलो इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, क्या इस लेवल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज मिला या नहीं मिला, और इस वीडियो को देखने के बाद क्या अपने फ़ोन के आप लेवल को निकालने वाले हैं या नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। We'll be right back.